बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब, उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ सब ठीक ठाक होंगे। तो करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज। और व्लॉग का आगाज करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो बनेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज। तकरीबन 8:30 बज चुके हैं सुबह के। तो अब्बास ने जानवरों का दूध निकाला था तो दूध संभाला, दूध चूल्हे के ऊपर रख के आई हूँ। फालतू बर्तन धोए मैंने और अभी लगाना है झाड़ू, तो रूम की करनी है सेटिंग। आप लोग बुरा महसूस करेंगे कि मैंने चारपाई जो है ना रूम में क्यों रखी है। चारपाई जिस दिन मैं उस्मान आए थे मैं तब की रखी हुई है। और दूसरा ये है कि अब बाहर धूप होती है तो धूप में ना ये चारपाई, एक तो चारपाई का कलर ख़राब होता है, दूसरा चारपाई टूटना शुरू कर देती, मतलब ख़राब हो जाती है ना। तो बरामदे में जगह नहीं थी तो इसलिए फिर मैंने इसको रूम में रखा हुआ है। तो बरामदे में काफ़ी ज़्यादा चारपाई का पड़ी हुई है ना, तो इसको छांव में रखने के लिए जगह नहीं थी। दूसरे रूम में भी अब जगह नहीं है कि मैं इसको ना वहाँ पर खड़ा कर दूँ, तो फिर बेहतर ये है कि मैंने यहीं पर रखा हुआ है। ये भाई प्याज के कपड़े धोने वाले थे, मैं स्मार्ट पहन के गए थे। ये मेरा अपना एक सूट है, एक ये है, एक दूसरा है। अब फटाफट से करती हूँ रूम की साफ सफाई सेटिंग, अभी कोई हाल नहीं है। इस तरह मुझे भी रूम गंदा लगता है, एक दफ़ा सेटिंग वगैरह करती है। मैंने ना काफ़ी दफ़ा आवाज को बोला है कि ये उतारते, शॉपर उतारते, वाटर प्रूफ जो शीट में लेके आई थी ना वो भी मैंने उतार के रख दिया, क्योंकि इसकी वजह से ना वो भी इकट्ठी हो जाती है। तो इसलिए मैंने आवाज़ को बोला था कि उतार दे, कहते हैं नहीं जब कल को बच्चे आएंगे तो शीट नीचे से एक कच्चा जो है ना ये ख़राब होगा। मैंने कहा अच्छा चले, ऐसे आपकी मर्जी, मेरी बात मानते ही नहीं है। तो फिलहाल ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। काफ़ी बहन भाई कह रहे थे कि जिस तरह आप मतलब रोज़ाना की रूटीन जो है ना वो दिखाते हैं, इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि घर पे रह के मेरे पास ये वीडियो होती है, ये व्लॉग होते हैं कि मैं अपने घर की रूटीन जो है ना, कामकाज की रूटीन जो है ना वो आप लोग के साथ शेयर करूँ। लेकिन आप इस चीज़ को भी बुरा समझते हैं, बुरा मानते हैं, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि चेंजिंग लाऊँ मैं वीडियो में, तो क्या चेंजिंग लाऊँ प्लीज़ आप मुझे बता दें। तो अगर आपके पास अगर कोई एडवाइस है तो मुझे दें ताकि मैं उस हिसाब से मतलब बना सकूं, वीडियो बना सकूं, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो फिलहाल मेरे पास घर की रूटीन है, काम का जो घर में मैं काम करती हूँ ना वही मैं रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इतना तो भी आवाज़ के पास भी टाइम नहीं है। एक ऊपर से गंदम का सीज़न भी आ गया है, गंदम संभालने ऊपर से इतने जानवर माशाल्लाह से, ऊपर से मुलाजिम भाई जो है ना वो भी छुट्टी करके वो भी चले गए हैं छोड़ छाड़ के, तो इसलिए काम का बोझ भी पड़ा है, काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है बॉस के ऊपर। तो इस वजह से ना कहीं हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते, पहले तो हम लोग अपने मायके में चले जाते थे तो बस इसी तरह ही कभी बाजार चले गए थे। लेकिन अब भी जो है ना शॉपिंग वो है जो हमने छोटी मोटी कर ली है, ईद की शॉपिंग। मैंने पहले भी आप लोगों से पूछा था कमेंट सेक्शन में, पूछता ही था कि आप लोगों ने शॉपिंग कर ली है ईद की। तो फिलहाल बातें हो गई काफ़ी ज़्यादा और करती हूँ रूम की सेटिंग, साफ सफाई करती हूँ और ये कपड़े उठा के जो धोने वाले हैं ना इनको बाहर रखती हूँ। और आवाज के कपड़े कुछ पड़े हुए वो भी बाहर रखती हूँ। फटाफट से ना झाड़ू लगा के पोचा लगा के सारी सेटिंग वगैरह करके उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने कहा था कि मैं घर पे ना अपना एक सूट सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन अब्बास ने बोला नहीं आप वीडियो भी बनाती हो, काम इतने ज्यादा होते हैं तो फिर आप ना स्टिचिंग करवा लें किसी से। तो अभी ना सुबह सुबह भाई उस्मान की कॉल आई हुई थी तो वो गुस्सा कर रहे थे, कहते थे कल दोपहर से ना मीटी ने बात की हुई थी, अगर अबू मुझसे ना एक दफ़ा शाम को या सुबह डेली बात ना ना करे तो फिर ना उनको सुकून नहीं आता, पता नहीं मैं भी ठीक है या नहीं। तो एक दफ़ा वो जब वो बात कर लेते हैं ना तो फिर वो कहते हैं कि हमारा दिन जो है ना वो गुजर जाता है ऐसे ही। तो कल दोपहर को शायद मैंने 2-3 मिनट अम्मी जी से बात की थी, उसके बाद नहीं हुई मेरी बात, शाम को भी बस टाइम नहीं था, खाना वगैरह बनाते बनाते देर हो गई।
तो कह रहा था कि मैंने शाम को इंतजार करते हुए मैंने कहा जब जब मैं 8-9-10 बजे फारिग हुई थी काम से तो आप लोग तब तक सो गए थे ना, तो सुबह सुबह भी मैं ना फटाफट से काम खत्म करती हूँ, काफी ज्यादा धूप हो जाती है, धूप की वजह से ना फिर काम करने को दिल भी नहीं करता, तो नाराज हो रहा था, गुस्सा कर रहा था कि हाँ मैं कॉल करो तो वरना कोई नहीं, मैंने कहा अच्छा मैं बस काम खत्म करने के चक्कर में थी कि काम जल्दी से ना फटाफट से खत्म हो जाए। इस चादर की छप्पर की वजह से, ये चादर से है ना इतनी दफा मैं इसको सेट करती हूँ ये दोबारा फिर ना इकट्ठा हो जाए। अच्छा एक कल सिस्टर ने भी बोला था कि अपना कपड़ा मतलब जो मैंने कपड़े सिलाई करवाने के लिए किए हुए थे ना, तो अम्मी जी बात कर रही थी कि फ्रॉक सिलाई करवा रहे, काफ़ी पैर भाई ने बोला थे कि काफ़ी सिस्टर ने भी बोला था मुझे कमेंट सेक्शन में कि अपना फ्रॉक सिलाई करवाए खुली सी, तो मेरा भी यही इरादा था, मैंने कभी फ्रॉक नहीं ना पहनी, तो मेरा भी यही इरादा था कि मैं फ्रॉक सिलाई करवा लूँ खुली, तो ये वाले कपड़े जो है मैं अभी पहन रही हूँ घर में कि मैंने सारे खुले किए ना, तो बस मैंने बोला था अम्मी जी को, तो मेरी कजने जो है ना मेरे कपड़े सिलाई कर रही हैं, एक मामू की बेटी है एक चाचू की बेटी है, तो वो कह रही थी कि कपड़ा जो 2 पीस है ना वो कपड़ा थोड़ा कम है, कपड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि मैंने सलवार कमीज के हिसाब से लिया था कपड़ा, तो फिर मैं क्या रही थी क्या कर शॉर्ट शर्ट जो है ना मतलब शॉर्ट फ्रॉक अगर सिलाई हो जाए तो पता नहीं। अब ये सिस्टर थी जी आपकी बात बिल्कुल सच है कि वो थोड़ा कपड़ा काम था, तो मैंने कहा कि आप ना खुले खुले रख कमीज सिलाई करते बस, क्योंकि भाई आयुष्मान वाले जो सूट थे वो मैंने रख लिए थे क्योंकि वो ज़्यादा महंगे भी थे, तो इसलिए फिर मैंने वो ख़राब नहीं किए क्योंकि जब बेबी आएगा तो उसके बाद मैं वो सिलाई करवाऊंगी। और जब आस ने ब्लैक सूट वो बहुत प्यारा था बहुत, वहां पे जाके जब अम्मी लोगों ने देखा तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ना, तो आसमान का भी छोटा अबू लोगों को पसंद है काफ़ी ज़्यादा, कहते कि अब्बास की पसंद ज़बरदस्त है, तो इस वजह से फिर मैंने वही जो है ना जो मैंने घर पहने के लिए सिंपल सादा कपड़े लिए थे ना मैंने वही सिलाई के लिए भी दे दिए, तो मैंने कहा था अगर फ्रॉक बन जाए तो भी ठीक है, अगर कमीज खुले खुले बन जाए तो भी ठीक है, बस इतना सिलाई करते, मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे ना खुद ही सिलाई कर रही थी, लेकिन अब्बास कहने लगे कि नहीं फिर वीडियो भी बनाना काम भी करना टाइम ही नहीं है तुम रहने दो इस पंगे में ना पड़ो। फ्रॉक है मेरे पास लेकिन है वो सर्दियों वाली ना, तो मैं ना मैंने एक दफा भी ये पहन के ट्राई नहीं की, तो मैं कह रही थी अब्बास से कि मैं ना ये किसी को दे दूंगी, तो अब्बास कह रहे थे कि नहीं ये सर्दियों में तुमने पहनी है ना, अच्छा ये बहुत प्यारी, मैंने एक दफा भी नहीं पहनी, देखिए ब्लैक और येलो, तो मैंने एक दफा भी इसको नहीं पहना, तो मैं कह रही थी कि मुझे लेने का शौक था उस जब मैं मेरा के साथ गई थी ना तो तब शौक था मुझे लेने का, इसका ट्राउजर बहुत प्यारा है। अच्छा मैं आपको निकाल के दिखाती फिर दोबारा रख लूंगी, तो ये देखिए जी ये है जिसका ट्राउजर, ये देखिए बहुत जबरदस्त है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस कह रहे थे कि नहीं है पहन ये करो, तो ये मैं ना पहनूंगी जब बेबी आ जाएगा ना तो तब पहनूंगी इंशाल्लाह, ये बोले अभी मैंने एक दफा भी नहीं पहना। एक और सूट है वो मैं अपने जहेज में लेके आई थी, और ये जो है इसका दुपट्टा, इस तरह के दुपट्टे अब ना मुझसे लिए नहीं जाते अच्छा नहीं लगता मुझे, तो मैं इनको बोल रही थी कि मैं ना ये किसी को दे दूंगी, तो कहते हैं नहीं मैंने खुद ही पहननी है, अभी मैंने एक दफा भी नहीं इसको पहना ना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट शब्द अगर जिंदगी रही ना तो नेक्स्ट सर्दियों में ये पहनूंगी। एक वो जो हुमैरा ने मुझे गिफ्ट किया था ना दावत पे, वो जो उन्होंने मेरी पसंद का लेके दिया था जो शायद आई थिंक इरम ने भी पहना था, वो भी सूट बहुत प्यारा है, अब मेरी मजबूरी है फ्रॉक पहनना क्योंकि मुझे ना खुले खुले कपड़े अच्छे लगते हैं।
सारे सूट जो है लॉन के गर्मी वाले, ये वाला भी तंग हो गया, ये वाला भी मैंने पहना था, ये वाला भी तंग हो गया, ये वाला भी मैंने पहन के चेक किया, और ये वाला जो सूट है ना ये मेरा पिछले साल बाजी सुमेरा ने जो है ना वो किया था, स्टिच किया था, मतलब सिलाई किया था, तो ये खुला था तब मुझे, लेकिन अब ये फिट फाट है तो तंग है ना थोड़ा। तो ये वाला और एक ये पिछले साल वाला जो मुझे मिल लोगों ने लेके दिया था, एक ये वाला है। अभी ये सारे तंग थे जो न्यू मैंने लिए ना दो तीन सूट, और अब खुले खुले जो घर पहनने के लिए ना वो मैंने सारे खुले करवाए, लेकिन अभी ना मेरे को इस्त्री करना टाइम ही नहीं मिल रहा फटाफट से, इसलिए काम ना फटाफट से ख़त्म कर रही हूँ, काम फटाफट से ख़त्म हो जाए तो उसके बाद कपड़े आवाज के धोने हैं, बाद के कपड़े धोने हैं, कपड़े धोने के बाद फिर जो है ना यहाँ पे एक पीस था, पीस अच्छा जी, यहाँ से सारा साफ सफाई किया, झाड़ू लगाया, और फिर मैंने बाद में ना जो मक्खी और मच्छर वाली, ख़ास तौर पर मच्छी मक्खी और छिपकली वाली जो है ना स्प्रे, वो मैंने छिड़का दिया रूम स्प्रे, मैंने मतलब मक्खी वाली स्प्रे कर दी है रूम के अंदर, तो अभी दरवाज़ों को बंद कर देती हूँ, और इस रूम में भी मैंने कर दिया छिड़काव कर दिया मैंने, बाकी कपड़े सारे जो धोने वाले थे वो मैंने निकाल लिए हैं, और अभी कपड़े जो रहते हैं वो धो लेती हूँ फटाफट से, बर्तन मैंने धो लिए हैं।